प्रावधान नहीं है, कहा जा रहा है मुंह पे सब क्या आ रहा है, जब तक नहीं आ रहा है जमन देखते ही नहीं, देख लेने दीजिए, पूरा ऑर्डर आ जाने दीजिए, जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी और जब तक हम लोग शब्दों को नहीं देख लेते तब तक इस पर डिमांड करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड है, जो दलितों को आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला ये क्रीमी लेयर का है, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया दलितों को आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखा है और जो पहले से जो चलता है जो आरक्षण है हम लोग उसके समर्थक हैं। अगर कोई किसी प्रकार का इसमें क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है, गुंजाइश ही कहाँ से आया क्रीमी लेयर, लेकिन कैबिनेट में कोई मतलब है क्या, ये भाजपा के लोग इस तरह का काम में लगे रहे, लेकिन कैबिनेट में तो ये कहा जा रहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है सर, ये बात कही गई है कैबिनेट बैठक में, ये बात कही गई है। देखो एक बात समझ लीजिए, कौन कैबिनेट में ये सब झूठा मंत्री सब बैठ करके दिन भर बरगलाने का काम करता है, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता, कहते कुछ है करते कुछ है, ये भाजपा के लोगों को सब लोग जानते हैं इनके चाल चरित्र को।